ये देखिए व्यू, नाइट व्यू है, बट लुक कितना सुंदर लग रहा है देखिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद डिंपल। हम लोग रेडी हो गए हैं, जा रहे हैं पहाड़। और कौन सा पहाड़ जा रहे हैं मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, लेकिन अभी नहीं बोलूंगी, सरप्राइज़ फिर ख़त्म हो जाएगा। बारिश हो रही है हल्का हल्का। हम लोग कैलकटा से बागडोगरा के लिए निकल रहे हैं वाया प्लेन, और उसके बाद हम जाएंगे मेरी बहन के घर। और अगर आप डायरेक्ट जा रहे हैं तो फ्लाइट या ट्रेन से जाकर आप वहाँ से NGP से आप कोई भी गाड़ी बुकिंग करके हिल की तरफ निकल सकते हैं। हम लोग भी सब कोई रेडी हो गए हैं, बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं ऑल डन ऑल सेट, गाड़ी के लिए वेट कर रहे हैं। बट नीचे लगेज जाने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसलिए लगेज वगैरह लेकर हम नीचे चले जाएंगे और मैं आपको रास्ता वगैरह सब दिखाते हुए चलूंगी, शेयर करूंगी जो भी है। चलिए मेरे साथ चलते हैं पहाड़। हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं, निकलने के लिए बिल्कुल रेडी है। मैं सामने बैठी हूँ ताकि वीडियोस कर पाऊँ। चलिए निकलते हैं। हम लोगों ने ट्रैवल एजेंसी गाड़ी से गाड़ी बुक किया है और उसी गाड़ी में हम 10 जन जा रहे हैं, और एक गाड़ी में हो गया, इसलिए हम लोगों ने एक ही गाड़ी को में जाना प्रेफर किया ताकि साथ हम जा सकें। शेवोक होके जा रहे हैं। ये है शेवोक का काली मंदिर, वेरी फेमस और बहुत मानते हैं लोग इसको, और निकल रहे हैं पहाड़ों की तरफ। और ये देखिए आपको राइट हैंड साइड में हमें हमारा पड़ेगा तिस्ता, और पूरा रास्ता जो है ये बहुत ख़राब है क्योंकि लैंडस्लाइड्स हुए हैं, काफ़ी बारिश हुई है नॉर्थ बंगाल में जिस वजह से लैंडस्लाइड हुआ है। और गैंगटॉक में बहुत जो रास्ता है उसमें इतने लैंडस्लाइड्स होते हैं कि रास्ता जो है वो हमेशा टूटा ही रहता है, तो जाने में बहुत टाइम लगता है, जाने में भी लगता है आने में भी लगता है। तो जो 5 घंटे का रास्ता है वो आपका आराम से 7 घंटा लग जाता है डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक। तो ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा नहीं था बट रास्ता काफ़ी टूटा है। ये देखिए, ये हम निकल रहे हैं सिक्किम की तरफ, और मेरे लेफ्ट अभी हम जा रहे हैं खाने, और थोड़ी दूर पे ही है खाने का जगह, का नाम क्या है? तारखोला। तो आप लोग भी वहाँ खा सकते हैं, वेज नॉन वेज थाली वगैरह है, बहुत टेस्टी हम लोगों ने खाया है वहाँ पे। सो थाली सिस्टम है, तो नेक्स्ट टाइम आप भी जाएंगे तो वहाँ खा सकते हैं। थोड़ी दूर पे ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, और वहाँ से गैंगटॉक जाने में हमें और 2 घंटा लगेगा, और हम ऑलरेडी 2 घंटा से ऊपर ट्रैवल करके आ चुके हैं, और रास्ता ख़राब है जिस वजह से टाइम ज़्यादा लग रहा है। अदरवाइज़ भीड़ वगैरह कुछ नहीं है, और वेदर काफ़ी गर्म है, अभी तक तो कोई ठंडे का कुछ लग ही नहीं रहा है। सो आप लोग भी इस समय अगर कोई ट्रैवल कर रहा हो तो बहुत ज़्यादा स्वेटर वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं है। जाम, हम लोग पहुंच गए हैं खाने का जगह, अब हम लोग खाएंगे वहाँ पे लंच। चलिए शेयर करेंगे क्या खाते हैं। जैसे मैंने बोला, तारखोला नाम है जगह का, और यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, आप कोई भी चॉइस के अपनी चॉइस के रेस्टोरेंट्स में जाके खा सकते हैं या ड्राइवर जो सजेस्ट करे। बट हम लोगों ने पहले भी जब गैंगटॉक आए हैं हम लोग यही रेस्टोरेंट में खाए हैं, तो इस वजह से नीमा लाइन रेस्टोरेंट में ही हम लोग खाने वाले हैं। अशोक, हम लोग अभी आए हैं नीमा लाइन होटल, ये देखिए, एंड ऑसम फूड होता है यहाँ पे, और वो लोग देते हैं पीतल की थाली वगैरह में। सो हम लोग अभी दिखाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगी, भीड़ देखिए, लंच टाइम एंड फुल बहुत भीड़ है यहाँ पे।
ये हमारा नॉन वेज थाली है, सब्ज़ी है, आलू की भाजी है, यहाँ पे करेला फ्राई है, दाल है, उसके साथ मटन एंड राइस। सो ये थाली इन लोग इस तरीके से सर्व करते, तो जिस दिन जो सब्ज़ी बनता है वही वो लोग उस दिन थाली में देते हैं। बट मटन है, आप मटन के अलावा और कुछ भी ले सकते हैं। ये वेज खा रहे हैं तो इसके साथ सब्ज़ी है, दाल है और जो हमें सर्व किया गया सब्ज़ियाँ वही है। हालिया हम लोगों ने लंच, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। लंच थाली मैंने आपको दिखाया है, बहुत टेस्टी। हम लोग हाफ रास्ता आ गए हैं बट गर्मी इज लाइक क्रेजी, पसीना हो रहा है। देखो पहले कभी ऐसा नहीं होता था कि हिल्स में इतनी गर्मी, तो अगर हिल्स में इतनी गर्मी है तो शिलोगी में तो होगा ही। सो लेट्स सी अब वहाँ पे क्या हाल है, बट अभी फिलहाल हम पसीना पसीना हो रहे हैं। ये दो पान, मेरी सिस्टर पान खाती है, वो से भी पत्ता मिल जाता है हमेशा खाने को, विच इज़ वेरी रिफ्रेशिंग। चलिए निकलते हैं। तिस्ता हम क्रॉस कर रहे हैं, देखिए कितने सारे मंकीज बैठा हुआ है। और मंकीज को देखने में मुझे बहुत मज़ा आता है बिकॉज़ वो बिंदास अपना रहते हैं, कोई टेंशन नहीं। तो देखिए ये नया एक ब्रिज बन रहा है जो आपको लाचुंग लाचेन गैंगटॉक की तरफ लेके जाएगा, और रास्ता डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। तो बट खुला नहीं है अभी तक वो ब्रिज, तो हम दूसरे ब्रिज से निकल रहे हैं। देखिए लैंडस्लाइड्स हुआ है यहाँ पे दो दिन पहले, और इस वजह से थोड़ा सा हटाया है उन लोगों ने। और ये लैंडस्लाइड्स जो है जगह जगह आपको गैंगटॉक जाते वक्त मिलेगा। सो अगर आप गैंगटॉक जा रहे हैं या वापस आ रहे हैं और ट्रेन पकड़ना है, फ्लाइट पकड़ना है, आप भी केयरफुल, थोड़ा टाइम ले कर निकलिए, एटलीस्ट 3-4 घंटा एक्स्ट्रा हाथ में। हम लोग गैंगटॉक शहर के अंदर नहीं घुसे बट साइड से ही रानी पुल की तरफ हम लोग निकल रहे हैं। ये रानी पुल एरिया है, इससे 3 किलोमीटर्स हम और जाएंगे तो वहाँ हमारा विला होगा, जो डेस्टिनेशन जहाँ पे हमने बुकिंग करा है। तो चलिए शाम होने वाली है, देखिए ऑलरेडी शाम हो रहा है और हम ऑलमोस्ट अपना जो बुकिंग है जहाँ पे हम लोगों ने किया है वो रीच कर रहे हैं। वो शहर से थोड़ा सा दूर है, नॉट वेरी फार, 3 किलोमीटर्स इज़ नथिंग, और लेकिन बहुत ग्रीनरी मिलेगा वहाँ पे आपको। ये देखिए ऑलरेडी आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ा बड़ा मकान, ये सब नहीं है और काफ़ी लश ग्रीन लग रहा है। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ कहाँ पे हम रह रहे हैं, आप डेफिनेटली वो सब जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आप बहुत बार गैंगटॉक गए हैं, तो डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। ये हम लोग पहुँच गए हैं, शाम हो गया, मायावास जो हमारा नेक्स्ट 3 डेज का डेस्टिनेशन है। हम गाड़ी बैक करके हम लोग जहाँ पे रहेंगे उसका नाम है मायावास, वहाँ पहुँच गए हैं और ये भी गाड़ी अंदर जा रहा है। गाड़ी घुमाने की जरूरत नहीं होगा ना अंदर, पैक करके डालना पड़ेगा ऐसा, तो गाड़ी पीछे करके ना रुकाते हैं हमें कभी। चलिए आपको लेके चलते हैं विला के अंदर और मैं आपको दिखाती हूँ इसका इंटीरियर। ये सामने एक दुर्गा मंदिर है और ये बैक करके गाड़ी अंदर की तरफ जा रहा है क्योंकि इसको बैक करके ही जाना है, थोड़ा सा स्टीप है। और बाहर आपको ऐसा लग रहा है, अंदर जाते ही आप देखिए
कितना ह्यूज एरिया है। सामने आपको नज़र आएगा स्विमिंग पूल, और स्विमिंग पूल पहाड़ों में बहुत रेयर है। गैंगटॉक में मुझे नहीं पता और कहाँ किधर है स्विमिंग पूल, बट इस विला में डेफिनेटली है। और ये देखिए, ये आपको बैठने का जगह, बैठने की जगह की कोई कमी नहीं है। जो मैंने जैसा मैंने पिक्चर्स में देखा था, एग्जैक्टली वैसा ही हमें अंदर जाके देखने को मिला। इतना खूबसूरत लग रहा था, अंदर जाते ही हम लोग कैप्चर करने लगे, क्योंकि मैंने वीडियो करना शुरू किया क्योंकि बाकी सब हम लोग हैं, तो फिर इतना नीटली जो डेकोरेट किया हुआ है वो कितना रहेगा, इसलिए पहले ही घुसते ही मैंने कैप्चर कर लिया। दूर में देखिए पहाड़, इतना सुंदर लग रहा है देखने में। तो ये कौन सा पहाड़ है, हम लोग इसको अभी पूछेंगे, देखते हैं। और चारों तरफ देखिए ग्रीन ग्रीन एंड ग्रीन, और शाम होने वाला है इसलिए लाइट जल रहा है, और हमारा लगेज अंदर आ गया। और ये देखिए, बाहर आप इस तरीके से इस लाउंज में बैठ सकते हैं, नहीं तो अंदर जाके बैठ सकते हैं अगर ठंड ज़्यादा है तो। मुझे तो लग रहा है बारिश होने वाली है। चलिए मैं आपको अंदर भी दिखा देती हूँ, क्योंकि अभी साफ़ सुथरा एकदम रेडी किया हुआ हॉल है। ये हॉल है, यहाँ पे एक टीवी है, और ये बैठने का अरेंजमेंट्स इतने सारे किया हुआ है, आप जहाँ चाहे वहाँ जाके बैठ सकते हैं। हमने पूरा विला को बुक किया है उसमें, क्योंकि हम लोग 10 लोग हैं, तो 10 लोग से ज़्यादा हो तब आप पूरा विला को बुक कर सकते हैं, तो नहीं तो उससे कम होगा तो आपको किसी और के साथ शेयर करना पड़ेगा। तो बट हम लोग हमेशा 10 लोग जाते हैं, इस वजह से हमें ये बहुत आसानी होता है। डाइनिंग हॉल दिखा दिया, ये है उनका किचन, देखिए किचन भी कितना नीट एंड क्लीन उन लोगों ने रखा है, और अंदर की तरफ उनका कुकिंग एरिया है। और मैं आपको फिर से दिखाती हूँ बाहर का एरिया, और यहाँ पे छोटे छोटे लाइट्स जल रहे हैं जिससे जब शाम होगा तो बहुत खूबसूरत लगेगा देखने में। और पूल में पानी तो डेफिनेटली ठंडा होगा, क्योंकि एक ठंडा वेदर तो है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना ठंड भी नहीं है। तो मैं इसके बाद आपको लेके चलती हूँ ऊपर, मैं इसके बाद आपको ऊपर ले जा रही हूँ। और ऊपर में है हमारे रूम्स, नीचे मेनली हॉल एरिया, लाउंज एरिया, और आपका किचन वगैरह सब है, और एक बाथरूम भी है, और ऊपर है हमारे बेडरूम्स। तो ऊपर देखिए, ऊपर भी कितना नीटली डेकोरेट किया हुआ है। ये एक रूम है जो अंदर जाते ही राइट साइड में है, और इस तरीके से एक कॉरिडोर बना हुआ है, उसके दूसरे दोनों तरफ रूम्स है। तो रूम सारे एक ही साइज़ का है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक रूम है, और रूम में जाते ही मैं पर्दा हटा के आपको इसका व्यू कराती हूँ। देखिए शाम के 5:30 बज रहा है, और व्यू देखिए कितना खूबसूरत है। ये है व्यू, और हमारे प्लेन्स में तो 5 बजे अभी पूरा शाम हो जाता है, बट देखिए पहाड़ों में अभी भी लाइट है, और क्लाउडी, काफ़ी क्लाउडी लग रहा है वेदर, शायद बारिश हो। गर्मी तो वैसा ही लग रहा था रास्ते में, जैसे बारिश होने के पहले लगता है। तो ऑलरेडी पहाड़ों में लाइट जलना शुरू हो गया है, तो बहुत सुंदर लग रहा है। और अंदर की तरफ हम अभी आ रहे हैं, मैं आपको पहले ही सारे रूम्स दिखा देती हूँ। ये दूसरा रूम है ऑपोजिट में, जो देखिए इस तरीके से डेकोरेशन किया हुआ है, और इसमें शायद कोई बालकनी नहीं है, सिर्फ खिड़की है, और खिड़की में भी ग्रिल लगा हुआ है, और ये फेस करता है मंदिर की तरफ एंड मेन रास्ते की तरफ। फिर मैं लेके चलती हूँ दूसरा वाला रूम में। ये एक और रूम है जिसमें मेरी एक और बहन रह रही है, तो वो यहाँ पे है, और उसको बहुत खुशी हो रही है। वो मुझे बोल रही थी कि यहाँ पे देखो दुर्गा मंदिर है, तो सारे मंत्र, बिकॉज़ आज अष्टमी, मतलब हम लोग जब गए थे तो वो अष्टमी का समय, तो मंत्र वगैरह पढ़ा जा रहा है, और वही वो मुझे दिखा रही है कि खिड़की की तरफ आप जाओ तो देख सकते हो दुर्गा मंदिर।
तो अभी तो रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, सुबह जाके हम लोग दुर्गा मंदिर देखेंगे क्या कैसा लगता है। और ये मेन रास्ता जो निकल जाता है। अब हम दूसरे बेडरूम की तरफ चलते हैं। इस रूम में मैं रह रही हूँ और इस रूम में खाली एक प्लस पॉइंट जो है उसमें दो बालकनीज है जिस रूम में मैं रहूँगी। और ये दूसरा एक और रूम है, टोटल 5 रूम्स है एंड सबका डेकोरेशन इक्वल है, इक्वल स्पेशियस है। इसमें भी एक बालकनी है तो टोटल 5 रूम्स है, तो 10 जना के लिए 5 रूम्स इनाफ है, इनफैक्ट मोर देन इनाफ, जो आप स्पेस स्प्रेड आउट करके रह सकते हैं। तो देखिए एक सोफ़ा डला हुआ है, व्यू है, और क्या चाहिए पहाड़ों में, इतनी खूबसूरती है। बच्चे अभी डिस्कस कर रहे हैं कि उनको पूल में जाना है, जो मैं मना कर रही हूँ बिकॉज पूल आज ही हम लोग आए हैं, एक वेदर चेंज भी है, ठंडा भी है वेदर, सो पूल में जाके ठंड लग जाएगी बच्चों को, तो इस वजह से मैं इनको मना कर रही हूँ। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा फ्रेशन अप होके नीचे जाएंगे चाय कॉफ़ी के लिए, तो चलिए मेरे साथ नीचे चलते हैं। आपने देखा ये जो होटल जो विला है, एक्चुअली हमने पूरा विला ही बुक कर रखा है, तो 5 रूम्स है, सारे रूम्स बहुत बड़े कोजी और एकदम होम लाइक एक फीलिंग है। इसका नाम क्या है होटल का? मायावास, विला मायावास, जो रानी पूल में है, रानी पूल एंड एक शिव मंदिर है उसके पास है, और बहुत 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 खूबसूरत इंटीरियर व्यू, तो मतलब आप मत पूछिए, मैं सुबह भी दिखाऊंगी क्या जबरदस्त व्यू है। थोड़ा सा अभी दिखाती हूँ, देखिए नाइट व्यू मिलेगा आपको, बट फिर भी मैं दिखाती हूँ। ये देखिए व्यू, नाइट व्यू है, बट लुक कितना सुंदर लग रहा है देखिए। और वो मंदिर है ऑपोजिट में, मंदिर में भजन वजन हो रहा है, शिव मंदिर। ये देखिए व्यू, अब मैं आपको दिखाती हूँ, चलिए मेरे साथ मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। मंदिर में आप सुन सकते हैं, ये देखिए नाइट व्यू। अभी काफी बादल हो गया, आई थिंक बारिश होने वाली है। ये एक और रूम, और वो दूर पहाड़, मुझे लगता है वो क्या हो सकता है, दार्जिलिंग हो सकता है मे बी, कल पता करते हैं वो कौन सा पहाड़ है। और ये है हमारा रूम, हम अंदर की तरफ आ रहे हैं। देखिए एंड हर चीज़ इतना मैच करके आपका इंटीरियर किया हुआ है, लुक्स ब्यूटीफुल। सोफ़ा वगैरह भी है, कबर्ड है, शीशा है, बाथरूम दिखाती हूँ, सारे रूम्स एक ही तरीके का है। एंड बाथरूम देखिए वेरी ब्यूटीफुल। लाइट किधर है बाबा, लाइट को था ये बाथरूम का लाइट है, हल्का सा इंटीरियर किया हुआ, कॉमोड, और ये है शावर एरिया, वेरी नीट एंड क्लीन। ये हमारा कॉफ़ी टेबल है, यहाँ पे आप कॉफ़ी चाय वगैरह बना सकते हैं, ग्लासेस भी बहुत अच्छे से हाइजीन वे में ठक पक के रखे हैं ये लोग। और ये है केटली, जो इलेक्ट्रिक केटल जिसको बोलते हैं। चलिए चलते हैं चाय पीने, और चाय पीने के लिए हम फिर से नीचे ही जा रहे हैं, फैन ऑफ करना मैं भूल गई, चलिए मेरे साथ।
बारिश हो रही है बाहर और एस्बेस्टस ही एस्बेस्टस या फिर नॉट दैट एस्बेस्टस जो फाइबर के होते हैं ना वो कवर है ऊपर, इस वजह से आवाज़ आ रही है बारिश का और इतना अच्छा लग रहा है, इतना सूदिंग लग रहा है। चलो हम वहाँ पे चलते हैं। बैठन से बाहर क्या जगह, वाह मजा आ गया, मजा। ये देखिए हम সবাই আমরা এরম করে শুয়ে আছি। আয় কুম্পা, আয় চলে আয়। এরকম লাউঞ্জ কোথায় পাবি দেখ, এরকম লাউঞ্জ পাবি না। এরকম লাউঞ্জ এরিয়া পাবি না রে। বৃষ্টি হচ্ছে, মিষ্টি মিষ্টি। চলি মে আপকো অন্দর কা ভিউ করাতি হু फिर से। और ये देखिए अंदर आते ही यहाँ पे ह्यूज हॉल है, बहुत सारे सिटिंग अरेंजमेंट्स, आपको कोई कमी नहीं होगी अगर आप बड़े गैदरिंग में आ रहे हैं तो आप कहीं भी बैठ सकते हैं। और मैं इनका किचन आपको दिखाती हूँ। ये जो है ये फायरप्लेस है, ये बहुत पुराना फायरप्लेस है और देखने से ही पता चलता है ठंड में ज़रूर ये लोग जलाते होंगे। ये देखिए ये यूज़ करते हैं, पता चलता है देखने से ही, क्योंकि जब ठंड ज़्यादा होती है तो आपको तो चाहिए, इतना बड़ा हॉल है और इतना नीचली ये लोग ने डेकोर करके रखा है जिस वजह से बहुत ब्राइट लग रहा है। पहाड़ों में थोड़ा ब्राइटनेस नहीं होता है तो डल जैसे लगता है, डिप्रेसिंग लगता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, वाइब्रेंट कलर्स। बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, कोई गाना सुन रहा है, कोई गप्पे मार रहा है, तो इस तरीके से हम फैले हुए हैं चारों तरफ। और चाय के लिए हमने बोला है चाय पकौड़ा वगैरह, क्योंकि हम लोग इतनी दूर जर्नी करके आए हैं, अब भूख भी लग रही है, थोड़ा थोड़ा स्नैक टाइम है, तो वो लोग कुछ तो बनाएंगे, दिखाऊंगी मैं आपको ज़रूर क्या बना रहे हैं। और ये फिर से मैं आपको पूरा हॉल दिखा रही हूँ, आपको देख के ही पता चलेगा इतना बड़ा एरिया है। और उस तरफ डाइनिंग हॉल है जहाँ पे हम लोग रात को बैठकर खाएंगे। तो और मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है इनका पूरा डेकोर जो है ना, वो बहुत खूबसूरत है। और ये देखिए वुडन टेबल है, ह्यूज एक टेबल। और यहाँ पे देखिए चाय वगैरह हमारा बन चुका है, तो ये अब चाय सर्व करेंगे। और ये इनका किचन है, स्वीट सा किचन है, ओपन किचन, बट कुकिंग आप नहीं देख सकते हैं क्योंकि अंदर की तरफ कुकिंग कर रहे हैं। मैं दिखा रही हूँ बाहर हमारा चाय, ये लोग लेके आएंगे और हम लोग चाय पियेंगे और थोड़ा रेस्ट करेंगे बिकॉज बहुत लॉन्ग जर्नी हुआ, हम लोग बहुत लोग थे। ये देखिए चाय, ठंड में चाय का मज़ा ही कुछ और है। और हम हर जगह जहाँ पे भी हिल्स में जाते हैं इतनी बार चाय पीते हैं, और यहाँ का चाय का फ्लेवर वगैरह एक्सेलेंट होता है, वो तो बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और उन दूर पहाड़ों में देखिए बारिश के बाद खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए हमारा स्नैक्स आ गया, आलू की भाजी आ गई और फ्रेंच फ्राइज, इनफैक्ट वो आया है। और ये लोग मजाक कर रहे हैं मेरे को लेकर, कोई बात नहीं, मैं इंजॉय कर रही हूँ जो भी कुछ बोल रहे हैं ये लोग। और फ्रेंच फ्राइज मेरा फेवरेट, हम लोग सब टूट पड़े हैं। ये मेनली था वेजिटेरियन लोगों के लिए, बट हम लोगों ने भी इस पर हम लोग टूट पड़े हैं। और अब आ रहा है पकौड़ा, विच इज़ चिकन पकौड़ा, तो चिकन पकौड़ा नॉन वेज के लोगों के लिए हैं, तो बहुत अच्छा बनाया था इन लोगों ने चिकन पकौड़ा, बेसन का बैटर था और इट वॉज गुड, गरम गरम एकदम बहुत अच्छा बनाया है। तो ये देख सकते हैं एकदम क्रिस्पी चिकन पकौड़ा आ गया, हम लोग टूट पड़ेंगे इस पे अब, लेकिन मेरा फेवरेट फ्रेंच फ्राइज रहेगा हमेशा ओवर चिकन, तो मैं तो फ्रेंच फ्राइज ही खाने वाली हूँ। और चाय हम लोग का एक कप से कुछ नहीं होगा, मुझे पता है हम लोग एक और कप चाय पीने वाले हैं,
क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है और बारिश की वजह से क्या हो रहा है ना, पूरा वेदर चेंज हो गया। थैंक गॉड रास्ते में हमें कोई बारिश वगैरह नहीं मिला, हम आराम से आ गए, नहीं तो फिर लैंडस्लाइड्स होते हैं बारिश होने से, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अभी डिनर टाइम है, हम लोग अभी डिनर करेंगे। हम लोगों ने वेज नॉन वेज सभी लिया हुआ है, तो जिसको ने वेज खाना है वेज, नॉन वेज। बारिश हो रही है बाहर, मैं दिखाती हूँ बारिश, ये देखिए बारिश हो रही है, आवाज़ आ रही है। ये देखिए कितना नीटली अरेंज किया हुआ है सब कुछ, ऑल थिंग्स आर इन कैसरोल। और हम लोग अभी अपने आप ले लेंगे बुफे सिस्टम। पहाड़ों में इन लोग इस तरीके से कैसरोल में सर्व करते हैं ताकि खाना गर्म रहे जितनी दूर हो सके, नहीं तो जैसे खुले अगर किसी में सर्व करेंगे तो ठंडा हो जाएगा। और प्लेट्स वगैरह इस तरीके से दिया हुआ है, आप अपनी हिसाब से सर्व कर लीजिए। तो कितने प्लेट्स चिकन वगैरह ऑर्डर करना है आप बोल दीजिए एंड वो लोग उस तरीके से बना देंगे। तो चिली चिकन, फ्राइड राइस, और फिर है चाउमीन, चिकन चाउमीन, उसके बाद है दाल। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको एक एक करके, ये है चाउमीन, ये है फ्राइड राइस, चिली चिकन मैं थोड़ी देर में दिखाती हूँ आपको। और उन लोगों से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई तो उन लोगों ने उसको थोड़ा लास्ट में बनाया तो वो दे रहे हैं अभी। यह आलू फ्राइज है, आलू भाजा जिसको बोलते हैं, क्रिस्पी फ्राई। और यहाँ पे मेरी जो एक बहन है वो मंडे को जो है ना वो रोटी खाती है और वेज खाती है, प्योर वेज, तो इस वजह से वो दूध रोटी खाने वाली है। और दोपहर में भी उसने थाली नहीं खाया था, वो घर से खाना लेके आई थी। और मेरे हस्बैंड अभी सब बच्चों को सर्व कर रहे हैं फ्राइड राइस वगैरह। और यहाँ पे हमने लिया है दो ऑमलेट, तो जो चिकन नहीं खाएंगे वो ऑमलेट खाने वाले हैं और उस तरीके से। और मुझे रात को चिकन उतना पसंद नहीं होता है, मैं ज़्यादातर ऑमलेट या फिर वेज प्रेफर करती हूँ। और यहाँ पे दाल फ्राई रखा हुआ है और उसके साथ हमने लिया है एक और आइटम, वो है पनीर। तो डिलीशियस तो देखने में लग रहा है, खाने के बाद पता चलेगा। ये देखिए इसको लेके हम लोग मजाक कर रहे हैं कि तुम कहीं भी जाती हो तुम्हारा बेचारी का मंडे हो जाता है, तो मंडे को वो उपवास करती है, फिर शिव जी को पानी देती है, तो इस वजह से वो कहीं भी घूमने जाती है तो वो वेज ये खाती है। और ये देखिए पनीर मैंने आपको दिखाया, तो है तो मेरी मामा की बहन, सॉरी मामा की बेटी, बट बहुत क्लोज है हम लोग, एक साथ ही घूमना फिरना होता है, बहुत सालों से हम एक साथ ही जा रहे हैं। और वी आर लाइक थ्री सिस्टर्स ओनली, तो पहले के ज़माने में कज़न्स वगैरह जो थे वो लोग काफ़ी क्लोज होते थे, तो हम लोग भी बहुत क्लोज हैं। फ्रेंड्स अब हम डिनर कर रहे हैं, डिनर में है हम लोग वेजिटेरियन खाना खा रहे हैं, तो उसमें वेजिटेरियन है बट उसके साथ हमने एक ऑमलेट लिया है। सो दाल राइस एंड पनीर एंड आलू की भुजिया। और नॉन वेज में है चिली चिकन, फ्राइड राइस एंड चाउमीन। सो ये है डिनर, आज का पहला दिन का डिनर, तो चलिए डिनर कर लेते हैं। चिली चिकन खे ना तुम्हारा सबाई, ग्रेवी चिकन एक्चुअली हम लोग गप्पे वप्पे मार के नीचे ऊपर आ गए हैं, थोड़ा सा गप्पे और मारेंगे और आज के लिए गुड नाइट।